वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लासेस में हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लासेस में इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स को समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और आपके कैलकुलस, एडवांस कैलकुलस का ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है इंटीग्रेशन, और ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन जितना लेंथी नहीं है, कम टाइम में ये टॉपिक हमारा वाइंड अप हो जाएगा। तो आइए बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर इंटीग्रेशन क्या है। बच्चे, जो डिफरेंशिएशन का अगर आप रिवर्स करके देखते हैं तो उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। फिर भी एक तरह समझिए इस चीज को। मान लें कि अगर आपसे मैं कहता हूं कि आपको डेरिवेटिव लेना है, आपको फॉर एग्जांपल 5x का डेरिवेटिव लेना है, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्लियर है? तो आप अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू dx करना है डेरिवेटिव, डी अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन क्या आपके पास में 5x है, और अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, तो क्या आएगा 5 आपका आएगा। तो ये डिफरेंशिएशन होने के बाद आपका आंसर क्या आया 5 आया। अब सवाल ये है कि मुझे इस 5 आया ये किसका डेरिवेटिव है, कहां से डेरिवेटिव, वापस मुझे वहां पहुंचना है। तो ये तो मेरा डिफरेंशिएशन है, ये क्या है मेरा, ये मेरा डिफरेंशिएशन है, बट वापस ये किसका डेरिवेटिव ले जो कि 5 आ जाए, ये पता करना हो मुझे। तो हमें क्या करना है कि इस जो कभी कॉन्स्टेंट नंबर होता है उस कांस्टेंट नंबर को आप अपने उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने कांस्टेंट नंबर को उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको पता लग जाता है कि किसका डेरिवेटिव है। तो आपको पता लग जाएगा ये डेरिवेटिव किसका आया है, 5x आया, क्लियर है? और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में x रेस्ट टू पावर 3 है, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव लेना है x रेस्ट टू पावर 3 का, तो आप किस तरीके से लेंगे? तो डेरिवेटिव लेने पर क्या आपका आएगा, ये 3x रिश्ट पावर 2 है, क्लियर है बच्चे? लेकिन आपको ये पता करना है कि जो मेरा डेरिवेटिव लेने के बाद ये रिजल्ट आया, डिफरेंशिएशन ये आया, बट ये किसका डेरिवेटिव ये आया, मुझे ये पता करना है कि किसका डेरिवेटिव ये है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि 3x स्क्वायर है ना, तो पावर जो x के ऊपर है उसमें मैं 1 ऐड कर सकता हूँ, और अपॉन में यही सेम जो पावर है उसको मैं नीचे लिखूंगा। तो बेसिकली क्या रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट हमारा बनेगा 3x की पावर 3 अपॉन 3। तो क्या रिजल्ट आया हमारे, x रेस्ट टू पावर 3। तो आपको कुछ बेसिक इंटीग्रेशन क्या है, जो आप डेरिवेटिव लेके जो रिजल्ट निकालते हैं उसको कहां से लिया गया है, उस चीज को इनिशियल स्टेज को दोबारा फाइंड आउट करना, इसी को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। और इंटीग्रेशन, अब आपको मन में सवाल होगा कि सर आपने यहां पर x से क्यों मल्टीप्लाई करा, सर आपने यहां पावर में 1 ऐड क्यों करा, तो कुछ बेसिक रूल्स है आप उसको पढ़ लीजिए, वही रूल मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि जब हम डेरिवेटिव ले रहे थे तो क्या होता है, पावर 1 माइनस होता है, तो जब वापस जाना है तो पावर 1 प्लस होगा, वो यहां मल्टीप्लाई करता है, जब डेरिवेटिव लेते हैं जब वापस जाना है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे। आइए कुछ बेसिक रूल्स है इसको पढ़ लीजिए, क्या कहता है ये। अगर आपके पास में कोई एक कॉन्स्टेंट नंबर है, मैं साथ साथ में इनके एक एग्जाम्पल लिखता जाऊंगा, अगर आपके पास में कोई एक कॉन्स्टेंट नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में सिर्फ 5 है, क्लियर है, और आपको इसका क्या करना है, डी एक्स लिखा रहता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब है इस ये 5x, इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब कहां से आया। तो आप इस कांस्टेंट नंबर के साथ में क्या करें, इस कांस्टेंट नंबर के साथ में आप अपना 5x कर दें, मतलब x से मल्टीप्लाई कर दें, कांस्टेंट नंबर है सिर्फ और कुछ नहीं है, तो उसको आप क्या करो, x से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस c कर दो। प्लस c क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हम डिफरेंशिएशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन अगर आप लोगे तो ये तो आपका 2 हो जाता है, लेकिन ये क्या हो जाता है आपका, ये आपका 0 तो होता है, तो वापस जब मैं जाऊंगा तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2x, तो बट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है, तो उसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, क्लियर है बच्चे? तो क्या समझ में आया, रूल नंबर 1 में कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स लगा दीजिए साथ में, बस बात खत्म, प्लस सी करना ही करना है हर किसी के साथ में। अब ये 1/x, तो आपको पता है कि 1/x किसका आता था, 1/x log x का आता था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log x और प्लस में सी, ये बात तो कन्फर्म है। 1/x का log x से ही तो आप डिफरेंशिएशन 1/x, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा इसका, तो ये बात ध्यान रखना है आपको, प्लस सी तो करेंगे करेंगे। और a रेस्ट टू पावर x का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो a रेस्ट टू पावर x ही रहेगा, लेकिन आप जब डिफरेंशिएशन करते थे तो log a से मल्टीप्लाई होता था ना, अब क्या होगा, log a से डिवाइड होगा और प्लस सी, तो a रेस्ट टू पावर x का ध्यान रखना, फॉर एग्जांपल 5 रेस्ट टू पावर x है, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप किस तरीके से करेंगे, तो 5 रेस्ट पावर x ही रहने दीजिए और log 5, क्लियर है बच्चे? तो क्या करेंगे, 5 रेस्ट पावर x अपॉन log कांस्टेंट नंबर 5 दिस वन, और प्लस c तो आप करेंगे करेंगे, क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आ गई,
सेकेंड वन आपके पास में, चलिए आप देखिएगा, एक्स रेस्ट टू पावर कुछ पावर है, एक्स की पावर है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 4 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो कैसे होगा, पावर में 1 ऐड कर दीजिए और उसी पावर से आप फिर डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास में एक्स रेस्ट टू पावर 5/5 हो जाएगा। ये वही बात कह रहा है कि एक्स रेस्ट टू पावर एन है, तो पावर में n+1 कर देंगे और आप अपॉन में वही पावर रखेंगे। तो आपको तीन रूल, आपको उम्मीद करता हूं कि आपको 1, 2, 3 और आपको ये फोर्थ रूल क्या कहता है, ई रेस्ट टू पावर एक्स का डेफिनेशन ई रेस्ट टू पावर एक्स होता था, तो इसका हमेशा ई रेस्ट टू पावर एक्स और प्लस सी होगा। अब यहां पर देखिएगा दो फंक्शन है और उसका इंटीग्रेशन करना है, दो एक एफ एक्स फंक्शन है और प्लस में एक दूसरा फंक्शन है बट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही है, तो आप क्या कर सकते हैं 1/1 कर सकते हैं, पहले वाले का इंटीग्रेशन कर लीजिए और दूसरे वाले का भी इंटीग्रेशन कर लीजिए, प्लस माइनस, प्लस में तो प्लस का निशान लगाना है, माइनस है तो माइनस का साइन लगाना है। अगर आपके पास में कोई एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई एक नंबर आपके पास में मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन करना है आपको 8/3 x^5 का इंटीग्रेशन करना है, तो आप इस 8^3 को बाहर ले सकते हैं, इसको आप इतनी इसको टेंशन मत लीजिए, आप अपने x^5 पे फोकस कीजिए बस। तो 8^3 और इसको सॉल्व करेंगे तो x^6/1 ऐड कर देंगे ना अपॉन 6, ये इसका इंटीग्रेशन, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। क्लियर है बच्चे? तो समझ में आया आपको कि 6 बेसिक रूल्स हैं, मन में बार बार इन रूल्स को आप एक बार देख लेंगे, कर लेंगे तो हो जाएगा। और इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन आपके पास में 1 है तो इसको सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और प्लस सी, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर है? यहां पर क्या आप इंटीग्रेशन करेंगे x^3 का, तो x^ क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड कर देंगे, सेम पावर से आप डिवाइड करेंगे, तो x^ आपके पास में 4/4, यही इसका आंसर है। क्लियर है बच्चे? अब 1/√x, तो इसका क्या इंटीग्रेशन करेंगे, तो सबसे पहले आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसको आप लिख सकते हैं ना x^-1/2, क्योंकि आपके पास में क्या है ये 1/x^1/2 आप बोल सकते हैं इसको, थोड़ा तो बड़ा करते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं आप 1/x^1/2 dx। अब आपको पास में x को ऊपर लेके जाएंगे तो लेके जा सकते हैं, बस पावर का साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि जब भी आप रिवर्स करते हैं तो उसका पावर का साइन चेंज होता है। अब यहां पर अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, तो मैंने क्या सिखाया आपका, x^ समथिंग हो तो ऑलवेज क्या करना है, उसमें 1 ऐड करना है और सेम पावर को आपको नीचे लिख देना है, तो क्या आएगा आपके पास में x^1/2 x^1/2 सॉल्व करेंगे तो 2√x, ये आपका आंसर है। क्लियर है बच्चे? सर फोर्थ रूल बता दो, चलिए बताता हूं फोर्थ रूल, ये समझ में आया नहीं आया आपको, ये बताइए पहले आप मुझे। चलिए करिए जरा इसका इंटीग्रेशन, a^x है ये, कोई भी कांस्टेंट नंबर के ऊपर आप x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर पावर आ गया आपके पास में, तो क्या रूल बताया था, इंटीग्रेशन करेंगे तो 2^x तो रहेगा ही रहेगा, अगर किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर पावर चला गया आपके पास में जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, वो एज अ पावर यूज हो रहा है कांस्टेंट नंबर पे, तो बस इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग ये कांस्टेंट नंबर लिख देना 2, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर है? 5x, तो आप यहां पे काम कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट नंबर मल्टीप्लाई रहा है, कॉन्स्टेंट नंबर बाहर ले लीजिए, सिर्फ x पे फोकस कीजिए। आप क्या करेंगे, आप x के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो आप क्या कंसिडर करेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 1+1/1, तो 5, अभी तो एक एक चीज बता रहा हूं, आगे इतना डिटेल में थोड़ी कैलकुलेट करेंगे हम, फिर टाइम ही नहीं मिलेगा पेपर में ऐसे तो हमें, तो हमारे पास में 5/2 x^2, ये आंसर है। अभी तो एक एक चीज बता रहा हूं सिखाने के पर्पज से, सीख लीजिए, आगे तो हम डायरेक्ट करेंगे इन सब चीजों को। अब आपके पास से वही आ गया 1/3, तो आप एक काम करें कि 1/3 आप बाहर ले लीजिए और सिर्फ आप फोकस कीजिए x/2, x^2 के ऊपर dx, वही काम दोबारा करेंगे 1/3, बताइए पावर क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है और पावर एक कम हो जाता है,
इंटू साइन चेंज होगा तो माइनस और वन अपॉन एक्स। फिर भी करके दिखाता हूं कैसे करेंगे आप, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे तो ये x रेज टू पावर आप कर दीजिए माइनस टू। अब आपको वन अपॉन थ्री इंटू एक्स माइनस टू, पावर में वन ऐड करना है एंड माइनस टू प्लस वन। सॉल्व करेंगे वन बाय थ्री एंड x रेज टू पावर माइनस वन एंड अपॉन में माइनस वन, माइनस साइन बाहर चला जाएगा तो वन अपॉन थ्री इंटू एक्स रेस टू पावर माइनस वन। सॉल्व करेंगे वन बाय थ्री इंटू वन अपॉन एक्स रेस टू पावर वन, तो आपके पास में क्या है माइनस वन अपॉन थ्री एक्स इंटीग्रेशन करने के बाद। और हमेशा इस बात का आपने ध्यान रखना है, किस बात का ध्यान रखना है वो भी बात देख लीजिए। आगे हम डायरेक्ट करते मिलेंगे वन अपॉन थ्री एक्स की पावर टू डी एक्स, तो कॉन्स्टेंट नंबर पर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या करो, साइन जो है ना, जब भी नीचे एक्स रेस्ट पावर समथिंग हो तो साइन इसका जो भी है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर दो, और क्या करो पावर में एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो गया आपके पास में। डायरेक्ट मैं करता हूं मिलूंगा आपको, कॉन्स्टेंट नंबर सेम रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा और एक्स एक्स के ऊपर जो पावर है वो एक कम कर दीजिए बस। चलिए वन बाय टू है, माइनस वन बाय टू तो आप बाहर ले सकते हैं, माइनस वन बाय टू इंटीग्रेशन कैसे करना है आपको, ई रेस्ट पावर एक्स, तो e रिस्ट पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रिस्ट पावर x होता है, रूल में अभी आपने पढ़ा है, तो ये आपका आंसर है। क्लियर है? हाँ जी, चलिए जरा अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है आपको सबका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका भी इसका भी इसका भी, इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हो आप इसको, ऐसे कर सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स, ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर आपके पास में है तो आप ऐसे कर दीजिए, एक्स रेस्ट पावर टू का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन विद रेस्ट पावर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स और ई रेस्ट पावर एक्स का भी आप कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल प्लस और माइनस हो तो ऐसे कर सकते हैं। अब यहां पर क्या होगा, अब x के ऊपर पावर में वन ऐड कर देंगे तो तीन डिवाइडेड बाय तीन, ये वन अपॉन x है, x रेस्ट पावर समथिंग है, तो साइन चेंज हो जाएगा आपका, पावर जीरो मतलब वन, देखिएगा ये हो जाएगा आपके पास में x रेस्ट पावर वन। क्लियर है बच्चे? क्योंकि आपके पास में वन अपॉन x है ना, तो x ऊपर आएगा, x रेस्ट पावर माइनस वन होगा, और फिर इसका प्लस वन करेंगे तो जीरो हो गया, अपॉन प्लस वन करेंगे तो क्या जाएगा आपके पास में माइनस वन एंड प्लस वन जीरो, तो ये तो आपका इंफिनिटी के फॉर्म में चला जाएगा वन अपॉन एक्स। और वैसे भी इसको मैंने क्या बता रखा है, डायरेक्ट रूल वन अपॉन एक्स का पूरा तो इन्फिनिटी लॉग एक्स और प्लस ई रेस टू पावर एक्स। क्लियर है बच्चे? तो यही इसका आंसर है। हाँ जी, मिल जाएगा, अभी थोड़ा सा जो पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़ लीजिए आप, रिकॉर्डेड मांग रहे हैं, पांच दिन बाद यही चीज रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। हाँ जी, इसको करेंगे आप तो इंटीग्रेशन करें तो आप पहले इसका कर लेंगे तो टू रेस टू पावर, टू रेस टू पावर एक्स थ्री बाय टू पावर में प्लस वन करेंगे, माइनस कॉन्स्टेंट नंबर है तो उसके साथ में एक्स लगा देंगे, सीखा है आपने? क्लियर है? और अपॉन में 3 बाय टू एंड प्लस वन, तो सॉल्व करेंगे आप 2x रेस टू पावर 5 बाय टू अपॉन 5 बाय टू माइनस 3x। और एक सब में एक चीज का ध्यान रखना है, वो जो नहीं कर रहे थे हम, करना पड़ेगा सब में भाई, हाँ प्लस सी, प्लस सी तो आपने करना है, ठीक है, कि कोई कॉन्स्टेंट नंबर भी हो सकता है ना जो जीरो हो गया हो, प्लस सी।
प्लस सी। प्लस सी ये तो करना जरूरी है। प्लस सी प्लस सी। देखिएगा क्या है आपके पास में, 2x raised to power 5/2। 5/2 है तो रिवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/5 एंड माइनस 3x प्लस सी। सॉल्व करेंगे 4/5 x raised to power 5/2 माइनस 3x एंड प्लस सी, ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन हो गया। तो आपको इंटीग्रेशन करना आ गया, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है ये क्या सवाल, तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के रखे थे। एक सेकंड रखो, मैं पूछता हूँ फोन करके टीम से, एक सेकंड वो होल्ड कीजिए। सिक्स देखो जी, 1/3 है ना, तो 1/3 को बाहर ले लिया, x की पावर 2 है, ये आपका जब रिवर्स होगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो -2। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या बता रखा है मैंने, पावर में 1 ऐड करना है, क्लियर है। अब पावर में 1 ऐड करा तो क्या है आपके पास में, 1/3 x^-1/-1, तो माइनस का साइन यहां पर आ गया -1, और इसको फिर से पावर का साइन चेंज करना है तो ये बेस उसका रिवर्स हो जाता है, तो 1/x हो गया, तो क्या है -1/3x प्लस सी। और डायरेक्ट तरीका क्या बता रखा है मैंने आपको, कभी भी करना हो तो कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर रहेगा, पावर में 1 घटा दो और कुछ नहीं करना आपको, और प्लस सी। बच्चे आज की क्लासेस में 9 क्वेश्चन ही लग पाए थे, जिसकी वजह से आगे क्वेश्चन नहीं है मेरे पास में, बहुत ही शॉर्ट क्लास हुई आपकी तो आज। कोई बात नहीं, मंडे को भी मैं आपकी क्लास रख देता हूं, और 30 मिनट की क्लासेस 4:30 बजे मंडे को भी मैं आपके साथ में मिलूंगा, और जो क्वेश्चन कुछ रह गए प्रैक्टिस के लिए वो मंडे को हम कवर करेंगे, ठीक है जी। और ट्यूसडे को क्लास तो आपकी रहेगी रहेगी, तो आज की क्लासेस में मंडे ट्रांसफर कर रहा हूं, इसके आगे वाले क्वेश्चन मंडे करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, थोड़ा समय है मेरे पास में।